पर हमने उनको पूरा सहयोग किया और उसी के दौरान मैंने उनको ऑफर किया कि देखिए आज हमको मुर्गा भात बना के हम लोग खा रहे हैं, आप लोग भी खाना पसंद कीजिएगा। उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि नहीं, मेरा खाना कहीं और जगह से आ रहा है। आप तो खाएंगे? बिल्कुल, तो कब भूखे रहेंगे? वो आ गया था कि हम डर के मारे बाथरूम में छुप जाएंगे, ऐसा नहीं है। चाहे आप हमारा गर्दन भी काटने आ जाइए, चाहे आप हमको खंजर भोंकने आइए, पहले पुरानी परंपरा रही है कि जब आप हमारे यहाँ अतिथि बन के आए, भले ही आप कोई दूसरे रूप में आए, तो भाई पानी चाय खाना पूछना हमारा फर्ज बनता है। और चूंकि उस दिन संयोग की बात था कि सुबह से ही हम लोग प्लानिंग कर रहे थे कि आज मुर्गा भात खाना है, तो भाई खाना था। माननीय अमित शाह जी हैं और कल वो क्रिप्को प्लांट में एथेनॉल प्लांट का शिलान्यास करने आ रहे हैं, उस मीटिंग में अटेंड करने के लिए सुनील कुमार सिंह जा रहा है। आप बताइए कि इतना छोटा अमाउंट निकला, कैसे ये बात पचेगा सीबीआई को और मीडिया और लोगों को कैसे ये बात पचेगा? हम कभी भी हमने ऐसा किसी फोरम पे नहीं कहा कि हम फटेहाल बानी, हम कंगाल बानी, आज तक हम बोले बानी। बताओ कि कहीं अगर बोले हुई कि भाई हम गरीब बानी, हम किसान के बेटा बानी, हम चाय बेचे वाला बानी, हम स्त्री लगावे वाला बानी, कहीं अगर बोले हों तो बताइए। कभी नहीं बोलते हैं, हम बोलते हैं कि बिल्कुल हमारा पूर्वज जो है कभी भी गरीब नहीं रहा, हमारा पूर्वज लोग खाता पीता परिवार था और उसी परंपरा को मैंने भी जिंदा रखा है। राबड़ी देवी जी आपको राखी बांधती हैं तो राखी को आज बांधती हैं, कल बांधती हैं, 15 वर्षों से बांधती हैं। 9 अगस्त को बिहार में तख्ता पलट हो जाता है, महागठबंधन की सरकार बनती है और अगले ही दिन तेजस्वी यादव बिहार के उप मुख्यमंत्री बन जाते हैं। 7 दिनों बाद यानी 16 अगस्त को बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार और गठन हो जाता है और उसके 7 दिन बाद यानी 24 अगस्त को बिहार में सीबीआई की धमक होती है। कई दिग्गज नेताओं के यहाँ रेड पड़ता है, चाहे वो अशफाक अहमद हो जो कटिहार से हैं, राज्यसभा सांसद हैं, या फिर फैयाज अहमद हो, या फिर सुनील सिंह हो। सुनील सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। अबू दोजाना जो कि 2015 से 20 के बीच राजद से विधायक रहे, कई बड़े नेताओं के यहाँ सीबीआई का रेड पड़ता है, लेकिन खबरें जो हैं वो सुनील सिंह के यहाँ से ही ज़्यादा दिखा होगा आपको। कारण था कि सुनील सिंह उस दिन काफ़ी अग्रेसिव दिखे। पहली बार ये हुआ होगा शायद कि सीबीआई के रेड के दरमियान कोई नेता मीडिया से बातचीत कर लिया हो। खबरें ये भी निकल कर आई कि सुनील सिंह ने रेड के बीच में ही सीबीआई वालों से ये पूछा, थोड़ा हास्यास्पद है, कि मुर्गा चावल खाएंगे क्या, यानी चिकन चावल खाएंगे क्या। इस तरह के कई प्रकरण हुए, ये तमाम सवाल रहेंगे हमारे सुनील सिंह जी से। स्वागत है सर आपके एनबीसी 24 में। धन्यवाद। पहला तो सर वही आप थोड़ा क्लेरिफाई कर दीजिए कि क्या चिकन चावल वाला मामला सही था, क्या हुआ? नहीं, बिल्कुल सही था। और देखिए, हम लोग का जो बिहारी जो सभ्यता और संस्कृति है, चाहे आप हमारा गर्दन भी काटने आ जाइए, चाहे आप हमको खंजर भोंकने आइए, पहले पुरानी परंपरा रही है कि जब आप हमारे यहाँ अतिथि बन के आए, भले ही आप कोई दूसरे रूप में आए, तो भाई पानी चाय खाना पूछना हमारा फर्ज बनता है। और चूंकि उस दिन संयोग की बात था कि सुबह से ही हम लोग प्लानिंग कर रहे थे कि आज मुर्गा भात खाना है, तो भाई खाना था। और उसी दिन फ्लोर टेस्ट भी था, हम लोग के लिए बहुत ही अपार खुशी की बात था कि भाई तेजस्वी यादव जी और माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो नया मंत्रिमंडल का जो गठन हुआ था उसका शक्ति परीक्षण था। और वो तो एक समझिए कि फॉर्मेलिटीज़ था, सारे लोग जानते थे कि 164 विधायक एक तरफ हैं, लेकिन फिर भी ये जो हमारे बीजेपी साइड के जो लोग थे, जिनकी मंशा थी कि भाई हम तोड़ फोड़ करें, हम सीबीआई से डरा दें, ईडी से डरा दें, इनकम टैक्स से डरा दें, जो बीजेपी और आरएसएस का एक नया विंग है, ये उन्हीं के इशारे पर जो काम करता है, चाहे इनकम टैक्स हो, चाहे ईडी हो या सीबीआई हो। और देश के लोगों ने हाल के दिनों में देखा है कि जहाँ भी सरकार तोड़ने की बात आया तो पहले ये तीनों पाहुन के रूप में उनके उतर जाते हैं कि भाई उसको डराओ, उसको धमकाओ, उसको उठा लो, और इस डर से और इस भयभीत होकर के। तो बिहार तो भाई स्वाभिमानी लोगों का जगह है, ये तो महाराष्ट्रीय व्यापारियों का तो जगह है नहीं कि महाराष्ट्र में सारे अधिकतर व्यापारी लोग हैं विधायक, और उनको हम डरा धमका दिए, गलत ढंग से पैसा कमाए हैं और उसमें ये डर करके उनके साथ हो गए। तो देखिए, हर एक जगह महाराष्ट्र का घटना दोहराया नहीं जा सकता था, हर एक जगह जो दूसरे जगह भी जो कर्नाटका में किए, जो गोवा में किए, वो दोहराना चाहते थे बिहार में। और आप जानते हैं कि बिहार का मतलब क्या होता है, आप भी जानते हैं। तो देखिए, तो यह प्रयोग उनका यहाँ सफल नहीं हुआ। और जब मेरे घर पर सुबह सुबह 7:45 वो लोग धमके, तो पूरा भौकाल
मचाने की कोशिश में थे। हम लोग देखिए ऐसा है कि पहले आप स्थिर होकर के बैठिए और आप जो चाहते हैं कि यहाँ सिग्नेचर कर दीजिए वहाँ सिग्नेचर कर दीजिए, वैसा होने वाला नहीं है। बिस्कुमान का भी जो फाइल आता है हम चार बार पढ़ते हैं तो पांचवा बार में साइन करते हैं, और यही कारण है कि 18 वर्षों से हम अध्यक्ष हैं, मेरे ऊपर दाग नहीं लगा। जबकि जो वर्तमान सरकार है, जो आज गठबंधन की सरकार है, जो नीतीश बाबू मुख्यमंत्री हैं, आप भी जानते हैं कि उस समय अभी के पहले बिहार के माननीय मुख्यमंत्री से हमारा वही संबंध था जो भारत और पाकिस्तान के बीच होता है, सभी लोग जानते थे। लेकिन फिर भी हमारे ऊपर कभी दाग नहीं लगा और सभी लोग जानते हैं मेरे कार्य करने का तरीका। तो देखिए, हमने उनको बोला कि भाई आप लगता है गलत फहमी के शिकार हो गए हैं, आपका रेकी सही नहीं हुआ, आप गलत जगह आ गए। पार्टी के कोषाध्यक्ष का मतलब यह नहीं होता है कि किसी का काला धन दबाना, और किसी परिवार से बहुत क्लोजनेस का मतलब यह नहीं होता है कि हम उस परिवार के कोई राजदार हैं। तो देखिए, आप गलत जगह आ गए हैं। आप जिस जो चीज़ की सूचना प्राप्त करके यहाँ पर पहुँचे हैं वैसा कुछ भी नहीं होने वाला है, और हमने उनको पूरा सहयोग किया। और उसी के दौरान मैंने उनको ऑफर किया कि देखिए आज हमको मुर्गा भात बना के हम लोग खा रहे हैं, आप लोग भी खाना पसंद कीजिएगा। उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि नहीं, मेरा खाना कहीं और जगह से आ रहा है। आप लोग खाए थे सर? बिल्कुल, तो कब भूखे रहेंगे? वो आ गया था कि हम डर के मारे बाथरूम में छुप जाएंगे, ऐसा नहीं है। हम लोग पूरे रिलैक्स में थे। हम बोले कि आपको जो तोड़ना है जो फोड़ना है, और लोग जो कर सकता था किया, दो दो तीन तीन बार जाँच किया। और आपने देखा होगा कि सबसे ज़्यादा जाँच मेरे घर में चला। कभी उनको लगे कि फ्लोर के अंदर में कोई फाइल दबा हुआ है, कभी लगे कि फ्लोर के अंदर में सोना दबा हुआ है, कभी लगे कि फॉल सीलिंग में है, बाथरूम का फॉल सीलिंग तोड़ दिए, जो मेरा वुडन का फ्लोर था वो तोड़ दिए, जो आटा और चावल का जो ड्राम होता है उसको उलट दिए। तो भाई देखिए, वो भी अपना कर्तव्य का पालन कर रहे थे, और जबकि हम लगातार उनको समझा रहे थे कि देखिए आप गलत जगह आ गए, तीन रूम के हम फ्लैट में रहते हैं, और बताइए जो आप सूचना प्राप्त करके मेरे पास पहुँचे हैं कि लालू जी का और उनके परिवार का सारा प्रॉपर्टी मेरे पास है, तो ये बिल्कुल आपका धारणा जो है बिल्कुल गलत है, दूर दूर तक ऐसा नहीं है। हाँ, हम पार्टी के कोषाध्यक्ष हैं, अगर आप हमसे ये पूछते हैं कि बिजली बिल कितना जाता है, टेलीफोन का बिल कितना जाता है, वहाँ के कर्मचारियों को कितना पैसा जाता है, जो हम लोग वहाँ पर बैठक करते हैं, जिला के जो राजद के जो अध्यक्ष आते हैं उसमें उसके इंटरटेनमेंट में क्या खर्च होता है, उसके नाश्ता में, सिंघाड़ा में, चाय में क्या खर्च होता है, उसका हिसाब हम दे सकते हैं, उसका आय का स्रोत क्या है वो हम दे सकते हैं। लेकिन ये फिजूल की बात जो आप हमसे जानना चाहते हैं, जिसकी जानकारी दूर दूर तक हमको नहीं है, तो हम कैसे आपको गलत सलत बता दें, यही मामला है। रेड के समय जो रकम निकली है, अमाउंट तो एग्जैक्ट हम नहीं बता सकते, लेकिन बहुत छोटी रकम निकली थी, 2,59,000। अच्छा, 2,59,000 था, ठीक है। अब ये बताइए सर कि आपके सोशल मीडिया प्रोफाइल को अगर देखा जाए तो लगभग कई देश आप घूम चुके हैं, और जहां भी जाते हैं 90 देश, आप खुद बता रहे हैं 90 देश, और जहां जाते हैं खूब फैंसी फैंसी आप फोटो डालते हैं, वहां के जो हाईलाइटेड स्पॉट्स हैं वहां भी आप घूमते हैं, तो अमूमन लोग यही ना समझेगा भाई कि बहुत पैसा होगा। आपको राबड़ी देवी राखी मानती हैं, मतलब आप उनके परिवार के सदस्य हैं, इस पर विवाद भी खड़ा हो गया था उनके भाई के द्वारा, खैर वो अलग बात है। तो आप बताइए कि इतना छोटा अमाउंट निकला, कैसे ये बात पचेगा सीबीआई को, और मीडिया और लोगों को कैसे ये बात पचेगा? देखिए, ये कहाँ लिखा हुआ है, किस किताब में है, किस ग्रंथ में है कि अपने शरीर में कादो लगा करके चलिएगा तो लोग गरीब समझेगा, नहीं तो आपको अमीर समझेगा, ऐसा नहीं है। आप भी कपड़ा पहनते हैं, आप भी शर्ट पहनते हैं, आप भी ट्राउजर पहनते हैं, हम भी पहनते हैं, अंतर यही होता है कि थोड़ा हम धुलवा के पहन लेते हैं। अब कितने लोगों को आप देखते होंगे कि बेचारे दो दिन तीन दिन कपड़ा पहनते हैं, सबका अपना अपना आर्थिक स्थिति होता है। लेकिन हम कभी भी हमने ऐसा किसी फोरम पे नहीं कहा कि हम फटेहाल बानी, हम कंगाल बानी, आज तक हम बोले बानी। बताओ कि कहीं अगर बोलने हुई कि भाई हम गरीब बानी, हम किसान के बेटा बानी, हम चाय बेचे वाला बानी, हम स्त्री लगावे वाला बानी, कहीं अगर बोले हों तो बताइए, कभी नहीं बोलते हैं। हम बोलते हैं कि बिल्कुल हमारा पूर्वज जो है कभी भी गरीब नहीं रहा, हमारा पूर्वज लोग खाता पीता परिवार था, और उसी परंपरा को मैंने भी जिंदा रखा है। और जहाँ तक विदेश जाने की बात है भाई साहब, पूरे देश के 12 संस्थाओं में हम अध्यक्ष या
निदेशक के रूप में हैं। तो यह गलत धारणा बिहार के लोगों को नहीं पालना चाहिए कि कहीं बिस्कोमान से ही तो नहीं उड़ते हैं, इसकी जांच 30 बार राज्य सरकार ने कर लिया है। अच्छा। देखिए, हम विदेश जो जाते हैं, इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस की मीटिंग में जाएं या इंटरनेशनल कोऑपरेटिव एशिया पैसिफिक के मीटिंग में जाएं, उसमें भी प्रतिनिधि के रूप में जाते हैं, तो या तो मैं वहाँ क्रिप्को की ओर से जाता हूँ, या भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ की ओर से जाता हूँ, या नेफेड की ओर से जाता हूँ, या कोऑपरेटिव बैंक ऑफ इंडिया की ओर से जाता हूँ। तो पूरे बिहार के जनता को या जो मेरे शुभचिंतक हैं उनको यह बात जानना चाहिए कि विदेश यात्रा करने का मतलब, अब कोई यह बात बोले कि भारत के प्रधानमंत्री की एक यात्रा में 50 करोड़ 100 करोड़ खर्च होता है, तो देखिए दोनों दो चीज़ है। इसका मतलब ये नहीं हो सकता है कि किसी को अधिरोपित कर दीजिएगा कि इतना पैसा आपका पर्सनल है। जो हम यात्रा करते हैं, 18 वर्ष से आज तक हमने अपने पैसा से 1 लीटर डीजल नहीं भराया। 18 वर्ष से हम बिस्कोमान के अध्यक्ष हैं, 18 वर्ष से अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन कर रहे हैं पूरी ईमानदारी के साथ। तो गाड़ी जो है बिस्कोमान का है, जो हम घूमते हैं बिस्कोमान की गाड़ी से घूमते हैं, और 1 रुपया भी हमको भुगतान नहीं करना होता है। 18 वर्षों में आज तक मैंने 1 रुपया भी जहाज का भाड़ा नहीं दिया। MLC तो 2 साल से न बने हैं, और MLC का जो कोटा होता है 3 लाख रुपये का, वो मेरा 2 महीने का कोटा है। जितना हमारा बाहर भीतर मीटिंग होता रहता है, तो चूंकि वो जिस मीटिंग में मैं जाता हूँ उसका भुगतान वो मीटिंग वाले करते हैं, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं होता है। चाहे जहाँ, जैसे आज हमको पुनः दिल्ली जाना है, कल सूरत में अमित शाह जी आ रहे हैं। अब आप लोग आश्चर्य हो जाइएगा कि भाई देखिए, ये तो आग का खर का संबंध है, ये कह रहे हैं कि अमित शाह जी आ रहे हैं। तो देखिए, सहकारिता में कोई पार्टी, कोई धर्म, कोई जाति नहीं होता है, और भारत के जो सहकारिता मंत्री हैं माननीय अमित शाह जी हैं, और कल वो क्रिप्को प्लांट में एथेनॉल प्लांट का शिलान्यास करने आ रहे हैं, उस मीटिंग में अटेंड करने के लिए सुनील कुमार सिंह जा रहा है। तो बहुत लोगों को आश्चर्य का विषय हो जाता है कि भाई, एक तरफ आपके यहाँ CBI का रेड पड़ता है, और आप भी उसी मंच पर बैठे होते हैं जहाँ अमित शाह जी बैठे होते हैं। तो दोनों दो चीज़ है। अमित शाह जी भारत के सहकारिता मंत्री हैं, उस हैसियत से वहाँ रहते हैं। मैं क्रिप्को में डायरेक्टर हूँ, तो मैं उस हैसियत से रहता हूँ। तो दोनों दो चीज़ है। और जो अभी आपने पूछा कि भाई, राबड़ी देवी जी आपको राखी बांधती हैं, तो राखी को आज बांधती हैं, कल बांधती हैं, 15 वर्षों से बांधती हैं। और रक्षाबंधन का मतलब क्या होता है? रक्षाबंधन का मतलब होता है कि आप अपने बहन को, जो धागे का पर्व माना जाता है, ये जो पर माना जाता है रक्षाबंधन, ये क्या है? यह टूट निष्ठा अपने बहन के प्रति होता है कि मैं आपकी रक्षा करूंगा। तो जो इस तरह का आरोप लगाते हैं कि राबड़ी देवी ही इनको राखी बांधती हैं, ये राजपूत हैं जात के, तो उनको अपने गिरवान में झांक कर देखना चाहिए कि रक्षाबंधन उसी को बांधा जाता है जो अपने बहन की रक्षा कर सके। तो ये तो उनको अपने गिरवान में झांक कर देखना चाहिए कि क्या उन्होंने इस चीज़ का पालन किया। तो भाई देखिए, कोई जात पात और खून के रिश्ते से कोई रिश्ता नहीं होता है। भाई से बड़ा दोस्त नहीं और भाई से बड़ा दुश्मन नहीं। आप ये भी देखे होंगे कि भाई, यहाँ तो पति पत्नी आमने सामने चुनाव लड़ती है। आप माधव राव सिंधिया के बारे में बात कीजिए, आप देखिए, एक भाजपा में और एक कांग्रेस में। आप यहाँ राम दुलारी सिन्हा जी का नाम सुने होंगे, और जुगल बाबू का, दोनों पति पत्नी थे, दोनों आमने सामने चुनाव लड़ गए। तो देखिए, ये राजनीतिक जीवन में होता रहता है, इसके लिए बहुत ये नहीं है। और अगले का गुस्सा किस बात पर है? अगले का गुस्सा अगर अपने बहन पर है, तो वो अपने बहन पर तो निकालेंगे नहीं, तो जो कमजोर कड़ी होता है हम लोग जैसे लोग, उसी पर निकालेगा भाई। दूसरा तो कोई बात है नहीं इसमें।